नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी कि आज जो हम जो ये वीडियो लेक्चर है उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन कहे या फिर कहे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले जान लेते हैं रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि जो रेवोल्यूशन है उससे क्या होता है कि जो हमारा जो सांस्कृतिक और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक राजनीतिक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है, इसलिए भी ये जो रेवोल्यूशन है उसके आउटकम्स के रूप में ये सब आता है। तो सबसे पहले जो रेवोल्यूशन क्या है उसके बारे में हमारे लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें भी देखें तो जो रेवोल्यूशन है रिफर्स टू अ मूवमेंट, बेसिकली पहले तो रेवोल्यूशन है उसको एक चक्र कहा जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक जो समय है वो पूरा का पूरा चक्र घूम जाता है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रिवोल्यूशन को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करें तो उसको एक मूवमेंट भी कहा जाए जो कई बार वायलेंट भी हो सकती है, जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी ये वायलेंस का उपयोग किया गया था, रशियन रिवोल्यूशन की बात करें या फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन की। तो ये जो रिवोल्यूशन है रिफर्स टू मूवमेंट ऑफन वायलेंट टू ओवरथ्रो एन ओल्ड रेजिम एंड इफेक्ट कंप्लीट चेंज इन फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि रिवोल्यूशन है उसका जो बेसिक मतलब है वो क्या है उसकी पहले जो बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करें तो जो ये रिवोल्यूशन है ये एक मूवमेंट है जो कभी कभी वायलेंस भी हो सकता है। इसका जो मेन एम्बिशन वे वो क्या है कि जो पुरानी हमारी परंपराएं चली आ रही है, पुराना हमारा जो रिजिम चला आ रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना या फिर कहे तो पूरी तरह से उसमें बदलाव ला देना, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात क्यों हो, सोसाइटी की बात हो या कल्चर की बात हो, सभी में कोई ना कोई जो बदलाव है आता है, इसी को ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन कैन बी सडन ओवरथ्रो एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और सिस्टम बाय फोर्स एंड ब्लडशेड, इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट चेंज दैट कम्स स्लोली एंड पीसफुली। तो जो रेवोल्यूशन है वो जो पुरानी गवर्नमेंट है सिस्टम है उसको पूरी तरह से बाय फोर्स यानी कि ऑल मीन्स सभी प्रकार के हथकंडे इसमें इसका जो ये क्रांति है उसमें इसका उपयोग है वो होता है। तो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक जो क्रांतियां है उसमें आप देखें तो जो सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन आता है, साथ ही साथ देखें तो ये जो ओल्ड रिजिम या फिर ओल्ड जो गवर्नमेंट और ओल्ड सिस्टम है उसमें भी एक जो ये राजनीतिक सत्ता होती है उसमें भी एक जो परिवर्तन आता है वो आकस्मिक नहीं होता है, इसलिए भी इसको रेवोल्यूशन है वो कहा गया है। और जो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव आया था, रशियन रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, तो इन सभी ने जो ओल्ड रेजिम है पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं इन सभी को ओवरथ्रो कर दिया था। तो इसलिए भी रिवोल्यूशन है वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन या फिर कहे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन है वो एक ऑर्गेनाइज रिबेलियन जिसे कहा जाता है, जो कि जो ब्रिटेन की इंपीरियल गवर्नमेंट है, इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट शाही सरकार है, इसके खिलाफ ये मुहिम या फिर कहे तो मूवमेंट है वो चलाया गया था। और अमेरिकन रिवोल्यूशन है ये सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ की वॉर तक सीमित नहीं थी, इसमें फ्रांस है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहा था। और साथ ही साथ देखें तो अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि लॉयलिस्ट थे, किसके प्रति लॉयल थे वो ब्रिटेन के प्रति लॉयल थे, और जो काफ़ी जो मेजोरिटी में जो लोग थे वो क्रांति के तरफदार थे। तो इसलिए भी इस रेवोल्यूशन ने यूरोप का भी बंटवारा कर दिया था और अमेरिका का भी बंटवारा कर दिया था। साथ ही साथ देखें तो जो ये ब्रिटेन है उसमें भी काफ़ी बड़ा जो बदलाव है वो इसमें आया था। तो ये जो रेवोल्यूशन है और इसका जो एक इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया था। तो अब उसके कुछ कारण है उसकी बात करते हैं। तो क्रांति है वो कैसे होती है कि जो क्रांति है वो कुछ ऐसे कारण हो गए इसीलिए ही ये जो क्रांतियाँ है वो होती है, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, वो रशियन रिवोल्यूशन हो या फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारण है इसमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है वो भी इसका एक कारण है, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 है, रिकवरी ऑफ
ईयर वॉर एक्सपेंडिचर जो हुआ था, ये भी है स्टैम्प एक्ट 1765। वहीं ये जो नो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो है। उसके बाद एनलाइटनमेंट जो थिंकर है उसका भी कुछ जो प्रभाव है वो इसमें पड़ा है। वहीं उसके बाद की जो घटना है उसमें बोस्टन टी पार्टी है, इंटॉलरेबल एक्ट ऑफ 1774 एंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन सभी के बारे में आज हम इस आगे जो वीडियो लेक्चर है उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो कारण है उसकी बात करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के जो कारण है ये तो सभी है, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे मतभेद हुए थे, धार्मिक मतभेद हुए थे, सामाजिक मतभेद हुए थे, साथ ही साथ जो ये शासन प्रणाली है उसमें भी कुछ असमानताएं थी, जातीय असमानता थी। वही ब्रिटेन का रुख है वो अपनी कॉलोनी के प्रति भी काफी खराब रहा था, इसीलिए भी आप देख तो ये इसके कारण के रूप में उभरता है। तो सबसे पहले तो धार्मिक मतभेद है उसकी बात करते हैं। तो धार्मिक मतभेद है उसमें क्या है कि जो कॉलोनी में जो रह रहे थे वो उनका धार्मिक दृष्टिकोण है वो ब्रिटेन के जो लोग थे, ज्यादातर जो लोग थे उसका जो दृष्टिकोण है उसका विजन एंग्लिकनिज्म था, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव था। और वहीं आप ये उपनिवेशवासी की बात करें तो ये प्यूरिटन यानी कि मतावलंबी ज्यादा थे और अंग्लिकन है उससे काफी घृणा करते थे, तो इसीलिए भी ये भी एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता जा सकता है। वहीं सामाजिक जो समानता है उसमें भी काफी ऐसी परिस्थितियां आई थी, इसलिए भी ये भी एक कारण के रूप में उभरा है। तो सामाजिक असमानता की बात करें तो अमेरिका की जो सामाजिक संरचना है वो इंग्लैंड की जो सामाजिक संरचना है वो इससे काफी अलग थी। इंग्लैंड का जो सोसाइटी थी वो एक तरह से फ्यूडल सोसाइटी के तौर पर हम देख सकते हैं, जो सामंती व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, उस तरह की ये व्यवस्था हुआ करती थी। वही अमेरिका की जो बात करें, जो ये कॉलोनीज है उसकी बात करें तो वहां पर उसका जो सोसाइटी थे वो काफी आदर्शवादी और काफी मौलिक हुआ करती थी। क्योंकि आप देखें तो जो ब्रिटेन है वहां पर जो ये फ्यूडल सिस्टम है उसमें आम लोग, गरीब लोग, इसकी कोई भी भावना है, उसका कोई जो स्थान है वो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स और इंग्लैंड की सोसाइटी में ज्यादा नहीं था। इसलिए भी ये जो सभी लोग है वो अमेरिका की जो कॉलोनीज है इन सभी ने ही, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब से ये इसका खोज की थी उसके बाद से वहाँ पर जो बसना जो शुरुआत हो गई थी, तो इसलिए भी ये सभी लोग है उसकी मात्रा वहाँ पर ज्यादा थी, तो ये भी एक कारण के रूप में उभरा है। वहीं दूसरे कारणों की बात करें तो जातीय असमानता है वो भी इसके भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। तो बेसिकली देखे तो जो ये कॉलोनी से वहां पर जो कॉलोनियल रेसिडेंट है, जो लोग रह रहे थे वो बेसिकली थे तो ब्रिटिशर्स ही थे, जर्मन्स भी थे, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा है वो इंग्लिश मैन की ही थी, ज्यादा जो लोग है वो इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स ही रहते थे, लेकिन उसमें भी जातीय असमानता है वो काफी देखी गई है। तो ये सभी जो कारण है इन सभी की वजह से ये जो अमेरिकन क्रांति है उसकी शुरुआत है वो इन सभी कारणों से ही होती है। तो अब पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, कॉलोनीज की बात करते हैं। तो कॉलोनीज है वो अमेरिका के क्यूबस है उसकी भी एक पहले चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जो ये रिलीजियस कोर्स था उसमें डिस्कशन किया कि ये जो एंग्लिकनिज्म है इंग्लैंड में वो काफी उस वक्त फेमस था। तो वहीं जो आम लोग है, जो कि जो लोग है वो प्रोटेस्टेंट धर्म का जो प्रचार है वो धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ वहां से ये हुआ था। तो और उसके बाद जो अलग अलग धड़े हैं वो पढ़ चुके थे, तो जो लोग चर्च के खिलाफ थे, जो चर्च की नीतियों के खिलाफ थे और चर्च की नीतियों के साथ असहमत थे, इन सभी ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका जा बसे। और इनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आप देखें तो जो जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट है उनकी जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो काफ़ी पॉलिसी थी इसने भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो इसमें प्ले किया। वहीं जो आर्थिक कारण है वो भी इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आर्थिक कारणों की बात करें तो जो स्पेन है वो साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज
उपनिवेश जो बनाकर काफी धन कमा रहा था, वहीं ब्रिटेन है वो भी इसमें चाहता था कि हम भी ऐसे नए नए लैंड की खोज करके वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाए और वहां से पैसे कमाए। वहीं दूसरा एक कारण है वो है जो इंग्लैंड है वो उस वक्त धीरे धीरे औद्योगिकरण या फिर कहे तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी तौर पर उसके और ज्यादा बढ़ रहा था, और इसके लिए भी उसको जो रॉ मटेरियल है उसकी काफी डिमांड थी। इसलिए भी इसकी जो डिमांड है उसकी आपूर्ति करने के लिए जो ये ब्रिटेन है उसने डिसाइड किया कि ये जो हमारे जो कॉलोनीज हुई तो हमारा जो तैयार माल है उसकी खपत है, इसके लिए भी एक बड़े बाजार के रूप में इस कॉलोनियों को देखा जा सकता है। इसलिए भी आप देखें तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने भी इसमें जो अपना जो मुख सपोर्ट है वो दिया था। तो अब पहले कॉलोनी से उसकी बात करते हैं, तो कहाँ पर कॉलोनीज हुआ करती थी, तो इन सभी जगहों पर जो कॉलोनीज है समुद्र के तट पर, ये सभी न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलवेयर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये 13th जो कॉलोनीज है वो उस वक्त यानी कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उस वक्त ये हुआ करती थी। तो अब बात करते हैं कॉलोनीज के वहां पर कैसे आई उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहले जो इंग्लिश कॉलोनी है उसकी स्थापना है वो 1607 में जो हुई और उस कॉलोनी का नाम रखा गया वर्जीनिया, और उसके बाद मासाचुसेट्स से वहां पर 1620 में, उसके बाद 1650 में कनेक्टिकट है, न्यू हैम्पशायर है, रोड आइलैंड और मैरीलैंड है उसकी भी स्थापना की गई। वहीं न्यूयॉर्क की जो कॉलोनी है वो जो डच है उसके खिलाफ युद्ध करके ये 1664 में कैप्चर की गई थी। वहीं 1660 में आते आते न्यू जर्सी और नॉर्थ और साउथ कैरोलिना नाम की जो तीन और कॉलोनिया जो उपनिवेश है वो उसकी स्थापना हुई थी। वहीं 1680s में की बात करें तो पेंसिल्वेनिया और डेलवर है उसकी स्थापना की थी। वहीं अंत में जॉर्जिया है उसकी स्थापना 1732 में की गई थी। और इसी के साथ ही 13 ऐसी इंग्लिश कॉलोनियाज है वो ईस्ट कोस्ट जो आज का अमेरिका है उसके जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी, और वहां पर ये जो सभी लोग है वो रह रहे थे। और ये जो कॉलोनीज है वो 2400 किलोमीटर तक लंबी थी और अटलांटिक से सटी हुई थी, कनाडा से फ्लोरिडा तक। और ये जो सभी ज्यादा से ज्यादा ये जो कॉलोनियाज है वो अपालचियन माउंटेन्स के ईस्ट में ही बसी हुई थी। तो ये जो बात है वो जियोग्राफिकली भी ये आप ये क्वेश्चन है वो आ सकता है। वहीं आप देखें तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मोस्टली मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी जो ये मैंने स्लाइड्स बनाई उसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नोट्स के रूप में इसको बनाया है। तो ये जो कॉलोनियाज है वो इस तरह से बसी थी। तो आप देख यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो कॉलोनियाज है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, उसमें मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट है वो इसमें शामिल है। वहीं मिडल अटलांटिक कॉलोनी की बात करें तो न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, न्यू जर्सी, डेलवर है, वो सब इसमें शामिल थे। वहीं सदर्न कॉलोनी की बात करें तो मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। तो ये जो सभी कॉलोनी है इसको भी इसी प्रकार डिवाइड किया जा सकता था। और अब बात करते हैं तो कॉलोनी की जो वहाँ पर जो लोग बसे उसकी बात करते हैं, तो यूरोप और अफ्रीका से तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने यूरोप और अफ्रीका से आकर इस 13 कॉलोनियाँ वो बनाई थी। वहीं इसमें लार्जेस्ट ग्रुप कौन था, वो थे स्कॉट आयरिश प्रोटेस्टेंट फ्रॉम अल्स्टर। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप इमिग्रेंट का जो ग्रुप था वो कौन थे, स्कॉट्स और आयरिश पीपल ही थे। दूसरा लार्जर ग्रुप था वो था जर्मन्स, जो कि राइनलैंड है, जो जर्मनी में राइनलैंड का जो रीजन है वहाँ से ही, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो आकर बसे थे, और वो सभी मेनली पेंसिल्वेनिया है वहाँ पर ही बसे थे। और उसमें अफ्रीकन जो स्लेव है ये भी एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि जो अफ्रीका है वहाँ से जो निग्रो पीपल है उसको गुलामों के रूप में अमेरिका में लाया जाता था, क्योंकि पहले भी जो स्लेव ट्रेड है, अरब जो लोग है वो इस स्लेव ट्रेड में काफ़ी सालों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जो यूरोप है वहाँ पर इन स्लेव्स की काफ़ी मांग रहती थी, तो इसलिए भी
जो अमेरिका है वहाँ पर बेसिकली रे तो जो जो ये यूरोपियन ही रह रहे थे, इसलिए भी स्लेव की मांग डिमांड वहाँ पर भी थी। तो अफ्रीका से स्लेव है उनको बसाया गया, और सबसे पहले उनको वर्जीनिया में बसाया गया था। वहीं 1763 आते आते तकरीबन 3.5 लाख तक की इनकी संख्या बढ़ चुकी थी। वहीं इनका व्यवसाय की बात करें तो नॉर्थ की बात करें तो फिशिंग और शिप बिल्डिंग है, वो वहाँ पर फेमस था। वहीं साउथ की बात करें तो प्लांटेशन है, वो इसमें काफी फेमस था। वहीं टोबैको और कॉटन है, वो भी जो ये स्लेव द्वारा उगाया जाता था। वहीं सभी कॉलोनिया से उनकी गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी खुद की लोकल असेंबली हुआ करती थी। वहीं क्वालिफाइड वोटर्स है, यानी कि कुछ लोगों को ही इसका जो वोटिंग राइट्स है, यानी कि फ्रेंचाइजी है, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी, कुछ ऐसे लोग हैं इनको ही दिया गया था। वहीं इन असेंबलीज है वो अपनी कुछ लोकल मैटर्स है, जो टैक्सेस है इसके लिए वो जो ये है रूल है वो कर सकते हैं। वहीं जो हाउएवर देयर वेर अंडर द रूल ऑफ द मदर कंट्री, यानी कि भले ही वो थोड़ी बहुत इनको ऑटोनॉमी दी गई हो, लेकिन इसमें भी देखे तो ये सभी ब्रिटेन के ही अंडर में आते थे। वहीं बाय द 18th सेंचुरी द कॉलोनीज फाउंड द लॉज विच इंग्लिश गवर्नमेंट इम्पोज अपॉन देम मोर एंड मोर ऑब्जेक्शनेबल। वहीं ये जो कुछ ऑटोनॉमीज तो दी गई थी, लेकिन उसके बाद की बात करें तो 18वीं जो शताब्दी है, यानी कि जो 18वीं शताब्दी है उसकी शुरुआत से ही ब्रिटेन है उसने अपने वहाँ पर जो कॉलोनीज थी उस पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो अलग अलग रूल है उसको इम्पोज कर दिया था। तो इसलिए भी ये एक प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। द आइडिया ऑफ बींग एन इंडिपेंडेंट नेशन ग्रू एंड डेवलप इन टू रिवोल्यूशनरी वॉर इन द विच कॉलोनीज गेन देयर इंडिपेंडेंस। तो इसका कारण यह हुआ कि यह जो रिवोल्यूशनरी वॉर हुई और इसी से ही अमेरिका की जो आज़ादी है वो मिली थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश की कंट्रोल की बात करते हैं। तो इन द मिड 16 जो 1600 मिड है उसकी बात, ब्रिटिश की कॉलोनियां जो बसने लगी थी उसके बाद से ही 16वीं और 17वीं जो शताब्दी है उसके बीच का जो पीरियड है उसमें जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, यानी कि ब्रिटेन है, उसने अपनी जो कॉलोनी से उसकी गवर्नेंस और उनके जो ट्रेड है उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अपने खुद के अलग अलग प्रकार के जो टाइटर लॉ है उसको इम्पोज करके, जैसे कि ये जो 1650 में ये पार्लियामेंट है उसने ये डिक्लेरेटरी जो एक्ट है वो पास किया था, उसमें विच डिमांडेड द कॉलोनीज टू सब ऑर्डिनेट टू एंड डिपेंडेड अपॉन द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो लॉ 1650 में पारित किया गया था उसमें ये प्रोविजन था कि जो कॉलोनीज है ये सभी है वो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसी के ऊपर ही आधारित होगी, सबऑर्डिनेट होगी। उसके बाद ये जो नेविगेशन जो एक्ट है वो पास किया है, और इसी के तहत ब्रिटेन ने इन सभी कॉलोनीज के ट्रेड और शिपिंग है उसको भी कंट्रोल कर दिया था। उसके बाद देखें तो 1651 की बात करें तो ये जो ट्रेड लॉ है जिसे जो ये नेविगेशन एक्ट भी कहा गया है, तो ये ट्रेड लॉ या फिर कहे तो नेविगेशन एक्ट है उसने भी ये जो उनका ट्रेड है वो पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था। वहीं अब देखें तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये भी तय किया था कि ये जो सभी कॉलोनी से अगर वो फ्रेंच और डच का जो जर्मनी है, डच है, नेदरलैंड है, फ्रांस है, उसके वहां से उस देश का जो गुड्स है वो खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी इंपोर्ट के ऊपर हाई टैक्सेस देने होंगे। वहीं अगर कोई भी जो गुड्स है वो ब्रिटेन से आता है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो काफी कम रखा गया था। तो इन सभी जो कारण है, इन सभी अलग अलग प्रकार के हथगंडे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन है वो इन सभी कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। तो अब देखे तो अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज थी, तो ब्रिटेन ने पहले तो जो अपनी जो कॉलोनीज है उसमें पहले तो जो लॉ है उसी से उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया था। उसके बाद ये मर्केंटलिज्म या फिर कहे तो जो ट्रेड लॉ है, टैक्स, हाई टैक्सेस पे करना, इन सभी प्रकार की हथकंडे का इस्तेमाल करके पूरी तरह से उसको एक गुलामों की स्थिति में ला दिया था। अब बात करते हैं मर्केंटाइल जो पॉलिसी है उसकी बात करते हैं। तो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, उसने पहले से ही इन सभी कॉलोनी से, उपनिवेश है, इनके प्रति एक मर्केंटलिज्म की पॉलिसी को ही अख्तियार किया है, यानी कि जो व्यापार है उन सभी को एक
बाजार के रूप में ही उन्होंने देखा था। दिस पॉलिसी सेज दैट द कॉलोनीज एग्जिस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री, यानी कि जो कॉलोनीज है उसका काम क्या है कि जो इंग्लैंड है उसके उसके लिए एक बेनिफिट्स या फिर कहे तो एक बाजार है, उसके लिए एक धन प्राप्ति का एक जो सोर्स है उसी के रूप में उसको कार्य करना है। जो कॉलोनीज के जो लोग है उनको, वहीं इन कॉलोनीज का दूसरा काम किया था कि इनको ये जो रॉ मटेरियल है वो भी ब्रिटेन है या फिर जो ये लोग जो मदर कंट्री कहते थे उसको इसको सब सप्लाई करना है। वहीं इनका दूसरा काम क्या है कि जो ब्रिटेन में मार्केट जो एक मार्केट के रूप में जो प्रोड्यूस गुड्स है, जो कि ब्रिटेन में जो भी माल जो पैदावार जो होती है उसके एक बाजार के रूप में इनको काम करना है। यानी कि आपको ब्रिटेन को कच्चा माल सप्लाई करना है और कुछ जो आपकी जीवन जरूरत की जो चीज वस्तु है वो सभी ही ब्रिटेन से ही खरीदनी होगी। तो इन तरह से जो एक तरह से कहा जाए तो जो असमानता की परिस्थिति है वो पैदा हो गई थी। वहीं अब देखें तो नॉन ब्रिटिश जो गुड्स है उसको तो उन्होंने पहले से मना कर दिया था, लेकिन इन ट्रेड्स के लिए नॉन ब्रिटिश शिप्स है उसको भी ये जो ब्रिटेन है उसने लॉ पारित करके उसको भी प्रोहिबिटेड कर दिया था, मना कर दिया था। वहीं द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल गुड्स फ्रॉम अमेरिकन कॉलोनीज कुड ओनली बी मेड टू ब्रिटेन, यानी कि कुछ ऐसी कच्चा माल है, स्पेसिफिक कच्चा माल है जिसमें आयरन ओर है, चाय है, टोबेको, इन सभी का एक्सपोर्ट है वो सिर्फ आपको ब्रिटेन को ही करना होगा। तो ये उनकी जो मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसीज थी व्यापारीकरण की, तो उसने भी एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। तो इन सभी वजहों से क्या हुआ कि जो ये इकोनॉमिकली भी जो ये सभी बैकवर्ड है वो होते चले गए थे। वहीं अब देखें तो इनमें प्रति एक ये भी भावना उत्पन्न हो गई थी कि जो लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी देखें तो उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जो कॉलोनीस है वहाँ पर जो सभी लोग रह रहे थे वो पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन जो है उसको ही ये लॉयल थे, क्योंकि इन सब सभी जो लोग थे वो स्पेसिफिकली तो ब्रिटेन के ही थे, कुछ पॉलिसीज की वजह से यहाँ पर वो बसे थे। लेकिन जब से ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट शुरू, इंटरफेरेंस शुरू कर दिया है, तब से इन लोगों के बीच में भी एक तरह से ये जो भावना है वो उत्पन्न होती है। वहीं उसके बाद का जो दूसरा कारण आता है वो है जो सेवन ईयर वॉर है उसकी बात करते हैं। तो सेवन ईयर वॉर के पहले यहाँ पर जो मैप है वो दिया गया, उसमें पहले बात करें तो जो ये क्यूसेक है, यहाँ पर जो ये क्यूबेक जो दिया गया वहां से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा उस वक्त फ्रांस का एक उपनिवेश के रूप में फैला हुआ था। और इसलिए भी आप देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस जो कि एक जन्मजात जिसे राइवल कहा जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, नॉर्थ और साउथ कोरिया है, वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस है वो यूरोप में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके थे और इनके जो आपसी हित और नेशनल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ टकराते थे। तो इसके ही फलस्वरूप 1756 से लेकर 63 तक ये जो सेवन ईयर वॉर जिसमें सिर्फ इस सेवन ईयर वॉर में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका में ही सिर्फ नहीं लड़े थे, इस वक्त ये जो सेवन ईयर वॉर हुई उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन है वो अमेरिका में लड़ रहे थे, यूरोप में भी लड़ रहे थे और इंडिया में भी लड़ रहे थे। इंडिया में इसको थर्ड कार्नेटिक वॉर कहा गया है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी लार्ज स्केल पर जिसमें काफ़ी कॉन्टिनेंटल वॉर भी इसको कहा गया है, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पर भी ये लड़ाई चल रही थी, एशिया है वहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी और यूरोप है वहाँ पर भी ये लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ पर एक जो मैप है वो दिया गया, उसमें अब देखें तो ब्रिटेन के पास जो टेरिटरीज थी वो ये सभी टेरिटरीज ब्रिटेन के पास थी। वहीं आप देखें तो उस वक्त सबसे ज़्यादा टेरिटरी है वो फ्रांस के पास उस वक्त हुआ करती थी। तो इसलिए भी इन दोनों के बीच ये जो लड़ाई है वो हुई थी। तो अब बात करते हैं ये जो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच इंडियन वॉर और सेवन ईयर वॉर जिसे कहा गया है, जो कि ये तो जो ये पीरियड है वो
9 सालों का है, लेकिन जो असली लड़ाइयाँ है वो 1756 से ही शुरुआत होती है, इसलिए भी इसको 7 ईयर वॉर कहा गया है। तो अब बात करते हैं, द ओनली रीजन अमेरिका स्टेड अंडर ब्रिटिश रूल फॉर सो लॉन्ग वॉज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रेंच। तो ये कॉलोनीज पहले देख लेते हैं कि ये जो कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन के कंट्रोल में क्यों रही थी, क्योंकि उनको फ्रांस का डर था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फ्रांस है, उसने जो ये न्यू फ्रेंच करके जो कॉलोनियास बसाई थी, तो ये फ्रांस है वो उस वक्त काफी पावरफुल किंगडम हुआ करता था, काफी पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, और इन सभी जो कॉलोनीज थे उसमें भी अपने फ्रांस ने वहां पर अपनी जो आर्मीज है वो उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर लगाई थी, और ब्रिटेन है उसने अपनी आर्मी यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए लगाई थी, इसलिए भी इन दोनों के बीच जो टकराव है वो कभी ना कभी होने ही वाला था। तो ये लोग क्यों यहाँ पर थे, जो जो ये अमेरिकन कॉलोनीज थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में क्यों थे, क्योंकि इनको फ्रेंच से प्रोटेक्शन चाहिए था। लेकिन बट वंस ब्रिटेन एंड फ्रेंच वॉन्ट टू वॉर, देन द नीड फॉर ब्रिटेन प्रोटेक्शन बिकम लेस सिग्निफिकेंट ऑफ थेम। तो उसके बाद तो ये 7 ईयर वॉर है उसने भी एक रोल प्ले किया है, उसमें देखे तो फाइनेंशियली तो इसमें एक रोल प्ले किया है, लेकिन अब एक जो सोशली भी देखे, एक साइकोलॉजिकली भी देखे, तो जब से ये ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हुई 7 ईयर वॉर, उसके बाद से जो ब्रिटेन के ये जो कॉलोनीज थी उसको अब ब्रिटिश का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। वहीं दिस वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1756 टू 1763 बिटवीन द फ्रेंच एंड नेटिव अमेरिकन अलाइज अगेंस्ट द इंग्लिश एंड लॉयलिस्ट। तो ये लड़ाई किन किन के बीच छिड़ी हुई थी, फ्रांस और ब्रिटेन, उसमें इनका जो साथ है वो फ्रांस के ओर से जो रेड इंडियन लोग थे, जो अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन जिसे कहा गया है, जिसमें जो कुछ आदिवासी लोग हैं, रेड इंडियन लोग हैं, नावा जो आदिवासी है, इन सभी जो लोग हैं इन्होंने फ्रांस का साथ दिया था। वहीं इंग्लिश जो ये ब्रिटेन है उसका साथ वहाँ के जो लॉयलिस्ट है उनको जो ये है उनको दिया था। तो ये जो लैंड है इसके कंट्रोल के लिए ही पूरी लड़ाई है वो लड़ी गई थी। तो इस लड़ाई के अंत में क्या हुआ कि पेरिस की ट्रीटी है वो फरवरी 1763 में, 10 फरवरी 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस से इस लड़ाई की जो खात्मा है वो होता है। तो इसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को और उनके नॉर्थ अमेरिकन जो इंडियन अलाइस है उसको डिफीट कर दिया था, और फ्रेंच कनाडा ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी और स्पेनिश फ्लोरिडा है इनका कंट्रोल फ्रांस ने, जो ब्रिटेन है उसने इनसे छीन लिया था। तो एक तरह से आप देखें तो कौन कौन सी जगह है वो ब्रिटेन ने ले ली थी, तो पहले तो ये कॉलोनीज यहाँ पर हुआ करती थी, ये जो कनाडा है वो भी ब्रिटेन के ही कंट्रोल में था। तो ब्रिटेन ने कौन कौन सी जो ले ली, तो फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा है, यहाँ से उन्होंने ये सब ले लिया, और फ्रांस से, ये जो फ्रांस है उसके बाद से ये जो सभी टेरिटरीज है जिसमें मिसिसिपी रिवर के आसपास का जो एरिया है, जिसमें क्यूबेक से लेकर जो ये अपालचन जो माउंटेन्स है उसका जो इस साइड का जो एरिया है, इन सभी एरिया को ये ब्रिटेन है उसने सीड कर लिया, यानी कि अपनी जो टेरिटरीज कॉलोनी से उसमें मिला लिया था। तो ये जो 7 ईयर वॉर हुई उससे दूसरा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, वो था मनी का प्रॉब्लम। तो इसने ब्रिटेन को एक डेब्ट की परिस्थिति में ला लिया था, और इस जो इकोनॉमिकली जो ये वर्स कंडीशन थी उससे बाहर निकलने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि जिसके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है वो ही लोग इन सारी लड़ाइयों जो लड़ाई हुई थी 7 ईयर वॉर उसको ये फाइनेंस करेगी, या फिर कहे तो इसका भुगतान ही यही लोग करेंगे। ऐसा भारत में भी हुआ था कि जो ये ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी उसमें क्या था कि जो ये सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी, तो इसमें क्या ब्रिटेन क्या करता था कि जो आर्मी है उसको कोई भी जो प्रिंसली स्टेट या नेटिव किंग है वो अगर ब्रिटिश आर्मी को रखता है तो ब्रिटिश आर्मी का पूरा रखरखाव उन राजा को ही देना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये ऐसी जो पॉलिसी है उसने ब्रिटेन ने यहाँ पर भी इसको अख्तियार किया था। तो 7 ईयर वॉर की पूरी फाइनेंशियल जो पूरा का पूरा फाइनेंस है वो इन सभी जो कॉलोनीज के लोग थे उनको ही देना था। और उसके बाद आता है प्रोक्लोमेशन ऑफ 1763। तो किंग जॉर्ज थर्ड है उसने प्रोक्लोमेशन ऑफ 1763 जो किया था उसके मुताबिक दिस
proclamation of 1763 banned all settlement west of the Appalachians to avoid more conflict with Native Americans. This angered the colonies. इससे क्या हुआ कि जो अपालचन माउंट है उसके वेस्ट के ज्यादा आप उससे वेस्ट आप नहीं जाओगे, तो इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकन जो कॉलोनिस्ट थे वो काफी इससे जो एंगर में आ गए, क्योंकि उनको ये तो उनके जो अधिकार है उसके ऊपर पूरी तरह से एक घात के रूप में इस कदम को देखा गया है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है वो अपालचन माउंटेन के रूप में उसको देखा जाता है, उसको आपको उससे वेस्ट साइड है वो नहीं जाना है। तो इससे क्या हुआ कि इन सभी लोगों को यहाँ पर ही बसना है। ये जो सभी जो लैंड है वो फ्रांस से इन्होंने ले तो ली थी, लेकिन वो लोग वहां पर नहीं बस सकते क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन है उसके साथ उनकी जो कन्फ्रंटेशन है वो नहीं होना था, तो इसलिए भी ये जो कॉलोनिस्ट है वो काफी इससे एंग्री हुए थे। अब बात करते हैं ये सेवन ईयर वॉर है उसकी कोस्ट को पूरा करने के लिए जो ये अलग अलग प्रकार के जो इनटॉलरेबल जो एक्ट है वो ब्रिटेन ने पारित किए थे, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है सुगर एक्ट। सुगर एक्ट ऑफ 1764 इंक्रीज द ड्यूटीज ऑन सुगर विच अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनी। तो जो ये सुगर एक्ट है तो इसने ये जो कॉलोनी से इसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको भी काफी अफेक्ट किया था। साथ ही साथ देखे तो ये जो ये सुगर एक्ट है 1764 का, इसके तहत क्या हुआ कि जो अन्य देशों से आने वाली जो विदेशी जो शराब है उसका भी आयात है इसके तहत बंद कर दिया था जो, और साथ ही साथ देखे तो दूसरी जो तरफ की जो शराब है वो और कॉफी है चाय है इन सभी के ऊपर भी काफी जो कर है वो लगाया जाने लगा था। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके आर्थिक उपनिवेश जो के लोग जो रह रहे थे उनके आर्थिक हित जो हित थे उनको काफी चोट पहुंच रही थी, क्योंकि जो पहले ये जो मोलासिस है उसके ऊपर भी काफी टैक्स है वो लगाया दिया था, वहीं तो जो वहां के सोल्जर्स है इसका भी पूरा का पूरा जो खर्चा है वो इन सुगर एक्ट के तहत इनको ही देना था, तो इसलिए भी ये एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कायदा था। वहीं आप देखें तो जो ब्रिटिश नेवी है उसने ये सुगर एक्ट के तहत दूसरे जो देश से आने वाले इन सभी जो व्यापारी जहाज है उनकी तलाशी लेने के लिए और सस्पेक्ट को जो सस्पेक्टेड स्मगलर है उनको अरेस्ट और ट्रायल बिना किसी ट्रायल के इनको अरेस्ट करने का जो अधिकार है वो दिया गया था। वहीं ये जो नीति थी वो मेनली किन की थी कि जो ब्रिटिश एम्परर है जॉर्ज थर्ड है जो कि 1760 से ब्रिटेन का राजा बना था, तो उसने किया कि इंग्लैंड की जो संसद है उसको एक अपनी कठपुतली जो बनाए रखने का एक जो प्रयास किया था, तो उसमें भी जो इनको ये लगा कि अगर जॉर्ज थर्ड है उसको ये लगा कि अगर मुझे ऐसा करना है तो जो ये उपनिवेश है वहाँ का जो साथ है मुझको चाहिए होगा, तो इसलिए भी इसने ये सभी जो एक्ट है उसको पारित करने दिया था। वहीं दूसरा कारण है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त ग्रेनविल हुआ करते थे, तो उसने पूरा का पूरा जो ये सेवन ईयर वॉर हुआ था तो उसका पूरा का पूरा खर्चा है इस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल ने नई नई अपनी योजनाएं और अपनी पॉलिसीज बनाकर पूरी तरह से उनको ये सभी प्रकार के सुगर एक्ट है स्टैम्प एक्ट है इन सभी प्रकार के एक्ट पारित करके पूरी की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है वो इन उपनिवेश के ऊपर ही डाली थी। अब उसके बाद आता है द स्टैम्प एक्ट आता है, तो जो स्टैम्प एक्ट है वो भी इसी प्रकार का एक अन्यायपूर्ण कायदा है वो हुआ करता था। तो जो ये स्टैम्प एक्ट है उसने लीगल जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त हुआ करते थे, तो द स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765 इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ ब्रिटिश स्टैम्प्स इन कॉमर्शियल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉलोनीज। तो कॉलोनीज के कॉमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट जो हुआ करते थे उसके ऊपर उन्होंने ये जो एक तरह से जो टैक्स है वो लगा लिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो समाचार पत्र है जो कानूनी दस्तावेज हुआ करते थे व्यापारिक जो दस्तावेज है और जो काफी विज्ञापन भी होते थे एडवर्टाइजमेंट भी होती थी इनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी
है वो अनिवार्य कर दी गई थी, और इनका जो उल्लंघन करते थे उसका जो उल्लंघन करने वाले को एक कड़ी से कड़ी जो सजा है उसकी भी एक व्यवस्था है वो इसमें की गई थी। तो क्योंकि इसका जो विरोध है वो लार्ज स्केल पर हुआ था, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि जो स्टैम्प एक्ट है वो किसको मेनली चाहिए होगा, वो सभी जो जर्नलिस्ट है, लॉयर्स है, एजुकेटेड जो पीपल है वो इससे काफी ज्यादा अफेक्ट हुए। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि स्टैम्प है इसका इस्तेमाल मेनली कौन करते थे, लॉयर्स करते थे, जर्नलिस्ट करते थे, और जो एलिट क्लास या फिर कहे तो एजुकेटेड जो पीपल थे वो ही इसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे, और ब्रिटेन ने इसके ऊपर ही ये जो है वो लगा लिया था। तो इसका रिस्पॉन्स है वो काफी लार्ज स्केल पर देखा गया था, और जो ये सन्स ऑफ लिबर्टी है वो इसी के विरोध में इसका जो ये संगठन है वो बाहर निकल के आया था। वहीं आप देखें तो क्वार्टरिंग एक्ट है वो भी इसके बाद पास किया गया। इसके तहत मेड इट कंपल्सरी दैट कॉलोनी शुड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू इंग्लिश ट्रूप, जो भी इंग्लिश सैनिक है वो यहाँ पर रह रहे हैं तो इन सभी को फूड और शेल्टर है वो इन कॉलोनीज को जो सभी लोग रह रहे थे उनको घर और फूड है वो ब्रिटेन के सोल्जर्स को प्रोवाइड करना था। तो इन सभी प्रकार के जो अन्यायपूर्ण एक्ट है, जो एक कठोर एक्ट भी जिसे कहा जाए तो जो सभी लगाए थे, तो इन सभी को कॉलोनीज द्वारा ओपोज किया गया। क्यों? क्योंकि आप देखें तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सभी जो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे वो सिर्फ इनका फाइनेंशियल ही विरोध कर रहे थे, ना कि इनको कोई ब्रिटेन से आज़ादी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इन जो ब्रिटेन है उसको काफ़ी उस वक्त लॉयल हुआ करते थे। उनकी सिर्फ डिमांड ये थी कि हमको भी जो हम नेटिव जो ब्रिटेन है, जो नेटिव ब्रिटिश पीपल इंग्लिश मैन है, उसको जो भी राइट्स दिए जा रहे हैं उससे समांतर ही हमें चाहिए। लेकिन ये शुगर एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है और क्वार्टरिंग एक्ट इसको पारित किया, तो उससे इन सभी जो लोग हैं उनको अब ये भी लगने ही लगा था कि अब तो हमें ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना ही होगा। तो देयर इज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो ये स्टैम्प एक्ट है, शुगर एक्ट है, क्वार्टरिंग एक्ट है, वो आपने किस वजह से हमारे ऊपर डाला, तो इसलिए भी इनका काफी विरोध है वो होने लगा था। तो अब ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी जो ये है उसकी बात करें तो ये सन्स ऑफ जो लिबर्टी है वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता था, जिसकी स्थापना है वो 1785 में हुई थी, और इनके लीडर कौन थे, वो थे सैमुअल एडम्स, और इन्होंने ही ये जो स्टैम्प एक्ट है उसके खिलाफ लड़ने में एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले किया था। और इनका जो मोटो था वो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, फिर भी आपने अमेरिका के जो कॉलोनीज के लोग थे उनके ऊपर आपने ये सभी अन्यायपूर्ण जो कायदे हैं वो लगाए थे। वहीं उसके बाद आता है जो ये टाउनसेंड एक्ट, जिसको टाउनसेंड की एक योजना भी कहा गया। तो टाउनसेंड कौन थे, वो थे जो 1767 में जो टाउनसेंड थे, वो जो विलियम पिट थे उसकी गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कहे तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है वो हुआ करते थे, और उनका मानना यह था कि जो अमेरिकी उपनिवेशवासी आंतरिक करों का तो विरोध करते हैं परंतु उनके बाह्य कर स्वीकार करने होंगे, तो इसलिए भी उन्होंने जो पांच ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें चाय आता है, लीड आता है, और जो सिक्का है वो है रंग धातु, और इन सभी प्रकार की जो वस्तुएं है जिस उसके ऊपर उन्होंने नए जो फ्रेश टैक्सेस है वो लगाए थे, और सिग्निफिकेंटली उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, वो था चाय, क्योंकि चाय है वो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है वो हुआ करती थी। तो अमेरिकनों ने इन जो इस प्रकार से एक तरह से बाह्य कर जिसे कहा जाए उनको काफ़ी विरोध भी किया था, और उन्होंने ये उसका विरोध करते ये कहा कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कोई भी एक्ट को हम मानने से मना करेंगे। वहीं टाउनसेंड एक्ट है उसने ब्रिटिश अथॉरिटी को कोई भी प्लेस की जगह
खोजबीन करने के लिए भी पावर दी थी। तो इन सभी प्रकार जो सभी अन्यायपूर्ण जो एक्ट पास हुए थे तो इसका भी विरोध है वो काफी भयंकर मात्रा में होने लगा था। तो ये इसमें प्रमुख कौन थे ऑर्गेनाइजेशन, वो था सन्स ऑफ लिबर्टी, जिसके जो सैमुअल एडम्स थे उन्होंने जो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर एक प्रकार से मजबूत एक विरोध है वो उत्पन्न किया था। तो अब शुरुआत होती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बदलने लगा था। तो सबसे पहला आता है बोस्टन मासाकर। तो मासाकर तो इसे नहीं कहा जाए क्योंकि इसमें मरने वाला जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुआ करती, सिर्फ 5 लोग ही इसमें हताहत हुए थे। तो फिर भी इस घटना को बोस्टन मासाकर या फिर कहे तो बोस्टन हत्याकांड नाम है वो दिया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टाउनसेंड एक्ट पास हुआ तो उसका विरोध करने के लिए कॉलोनीज में सभी प्रकार के जो हथकंडे है वो इसके इस्तेमाल किए थे। कुछ जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ जगहों पर शांतिप्रिय प्रोटेस्ट भी होने लगे थे। टू प्रिवेंट वायलेंट प्रोटेस्ट मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट थॉमस हचिनसन, ये जो थॉमस हचिनसन है वो एक प्रकार से ब्रिटेन के एक लॉयलिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या करा कि जो मैसाचुसेट्स है वहाँ पर वायलेंट जो प्रोटेस्ट है वो होने लगे थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश आर्मी है उसको असिस्टेंस मांगा। और इसी के रिस्पॉन्स में 1768 में 4000 से ज़्यादा रेड कोट्स है, जिसे जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उसको रेड कोट्स कहा गया है। तो ये रेड कोट्स है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिटी में लगाया गया था। तो इसी को ही 5 मार्च 1770 में एक जो एंग्री मॉब था जिनकी ये ब्रिटिश ट्रूप जो रेड कोट्स है इसके खिलाफ एक क्लैश हुआ था। और इस क्लैश में 5 जो कॉलोनिस्ट है, 5 लोग हैं, इनकी मृत्यु हुई थी। और इसको बोस्टन मासाकर नाम एक बहुत ही बड़ा नाम दिया गया और इसको एक प्रोपोगेंडा ब्रिटेन के खिलाफ प्रोपोगेंडा के रूप में एक बहुत ही अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया। और इसके साथ ही दिस इवेंट टर्न पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन एंड इट्स पॉलिसी इन द कॉलोनीज। तो ये जो बोस्टन सो कॉल्ड बोस्टन मासाकर जो नाम दिया गया था, तो इससे क्या हुआ कि इस घटना का उदाहरण देकर ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी है उन्होंने पूरी की सभी जो कॉलोनीज थे वहाँ पर इसका जो ये घटना हुई थी उसको न्यूज़ को फैलाया। और सभी जो एजुकेटेड पीपल थे उन लोगों ने भी इसका इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया। न्यूज़पेपर है उसमें भी ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ काफ़ी लिखा गया था। और उनकी जो ये जो फाइनेंशियली कॉलोनीज को लूटने की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ भी काफ़ी लिखा गया था। उसके बाद आता है टी एक्ट ऑफ 1773। तो टी एक्ट है 1773, उससे क्या हुआ कि तो ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक नॉर्थ थे, पहले तो इन्होंने ये जो टाउनसेंड एक्ट है और दूसरे प्रकार के कुछ एक्ट है उसको रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने ये जो टी एक्ट 1773 है वो पास किया गया। और इसमें चाय की जो व्यापार है उसकी मोनोपोलिस है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सभी अमेरिकन कॉलोनीज में मोनोपोली है वो स्थापित हो गई। तो एक्ट का मेन पर्पस वाज नॉट टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम द कॉलोनीज बट टू बेल आउट द फ्लंडरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्रकार से अब थोड़ी फ्लरिशिंग जो फ्लंडरिंग कंडीशन है उसमें आ गई थी, लेकिन अब इनका जो ये टी एक्ट पास किया गया उसके तहत ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको यहाँ पर जो मोनोपोलिस है वो दी गई थी। तो इसी का रिस्पॉन्स है वो है बोस्टन टी पार्टी। तो अब बात करते हैं बोस्टन टी पार्टी की। तो ये जो टी एक्ट जो पास किया गया था उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको जो ये जो चाय है इसकी मोनोपोलिस है, चाय बेचने की जो मोनोपोलिस है वो इन सभी को दी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ये अमेरिकी उपनिवेश के जो लोग हैं वो इस जो ये टी एक्ट पास हुआ उससे काफ़ी नाराज थे, क्योंकि इसमें सभी लोगों को जो कॉलोनीज के लोग थे उनको चाय का उत्पाद करने का पूरी तरह से मना कर दिया था। तो उस
के रिस्पॉन्स में काफी इसका भी काफी विरोध हुआ। तो अब बात करते हैं बोस्टन टी पार्टी की। तो इन मेनी अमेरिकन सिटीज टी एजेंट्स रिजाइन और कैंसल ऑर्डर्स एंड मर्चेंट रिफ्यूज कंसाइनमेंट इन रिस्पॉन्स द अनपॉपुलर एक्ट। तो इसमें सभी को जो मनाई की गई थी चाय का उत्पाद करने की बेचने की, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी मोनोपोली दी गई थी। तो इसके विरोध में काफी अमेरिकन सिटीज है उसमें जो अमेरिकन के जो टी एजेंट्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सभी मर्चेंट है उन्होंने भी कंसाइनमेंट लेने से रिफ्यूज कर दिया। वहीं गवर्नर हचिनसन ऑफ मैसाचुसेट्स डिटरमाइंड अपहोल्ड द लॉ ऑर्डर दैट थ्री शिप्स अराइविंग इन बोस्टन हार्बर शुड बी अलाउड टू बी डिपोजिटेड कार्गोज एंड देन अप्रोप्रिएट पेमेंट शुड बी मेड फॉर द गुड्स। तो गवर्नर जो हचिनसन थे उन्होंने ये किया कि जो बोस्टन हार्बर है वहां पर तीन ऐसे जो जहाज है वो अब आने वाले है। तो इनका विरोध करने के लिए दिसंबर 16, 1773 में ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी इन सभी उन्हीं के जो मेंबर्स थे वो इन सभी शिप्स में चढ़ाए और उनका जो पहरवेश था वो कैसा था, वो नेटिव अमेरिकन या फिर रेड इंडियन थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी का जो पहरवेश है वो एक तरह से रेड इंडियन ही था। तो उन्होंने क्या करा, इन सभी शिप्स को कैप्चर कर लिया और इसमें जब जितने भी उस वक्त देखे तो तकरीबन काफ़ी कोस्टली इसमें चाय हुई थी, क्योंकि चाय है उसकी कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ है वहाँ से भी कुछ चाय आती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो चाय है वो इंडिया से ही जाती थी। तो इसका खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इन सभी ने क्या करा कि जो पूरा का पूरा जो तीनों के तीनों जहाज है उनकी चाय है उनको बोस्टन की जो वाटर है उसमें डुबा दिया और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके रिस्पांस की बात करते हैं। तो बोस्टन टी पार्टी का रिस्पांस है वो एक तरह से काफ़ी कठोर था, क्योंकि पार्लियामेंट और राजा दोनों को लगता था कि अब इन सभी को जो बोस्टन टी पार्टी में जो भी लोग थे इनको सजा देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो उन्होंने इसलिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया टू पनिश द पीपल ऑफ बोस्टन एंड द वॉल मैसाचुसेट्स कॉलोनी। तो बोस्टन टी पार्टी में सिर्फ ये सन्स ऑफ लिबर्टी के ही लोग थे, लेकिन पार्लियामेंट ने बोस्टन और पूरी की पूरी मैसाचुसेट्स की जो कॉलोनी है उसको पनिश करने के लिए एक लॉ पास किया जिसको इनटॉलरेबल और कोअर्सिव एक्ट ऑफ 1774 भी कहा जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी के रिस्पांस में इन सभी को पारित किया था और इस लॉ से क्या हुआ कि जो ये लॉ है इसके तहत जो ये बोस्टन बंदरगाह है उसको बंद कर दिया गया, मैसाचुसेट्स की जो सरकार है उसको पुनर्गठित किया गया और उनके जो गवर्नर थे जो कि ब्रिटेन के लॉयलिस्ट हुआ करते थे उनकी जो पावर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई। वही जो ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश सोल्जर्स है उसको भी सिटी में रहने का जो नियम है वो भी बनाया गया और साथ ही साथ देखे तो कुछ ऐसे गंभीर प्रकार के जो मुकदमे हैं वो अब अमेरिका की जो सिविल कोर्ट्स है उसके बजाय अब इंग्लैंड और दूसरी प्रकार की जो उपनिवेश है वहाँ पर उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सिटी के लिए ये जो बोस्टन हार्बर का बंद होना एक तरह से पनिशमेंट के तौर पर साबित हुआ था। वहीं अमेरिकन थ्रू आउट द कॉलोनी सेंड फूड एंड सप्लाइज टू बोस्टन वाया लैंड टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम हंगर एंड कोल्ड इन द बिटर न्यू इंग्लैंड विंटर। तो वहीं आप देखें तो जो मैसाचुसेट्स के जो कॉलोनीज के लोग थे और बोस्टन सिटी के जो लोग थे तो इनके लिए बोस्टन हार्बर बंद करना एक तरह से हार्श पनिशमेंट थी, लेकिन इनका साथ है दूसरी कॉलोनी वालों ने दिया था। उसके बाद आता है पार्लियामेंट ऑल्सो पास द क्यूबेक एक्ट एट द सेम टाइम विच ग्रांटेड मोर राइट्स टू फ्रेंच कैनेडियन कैथोलिक्स एंड एक्सटेंडेड फ्रेंच कैनेडियन टेरिटरी साउथ टू वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ न्यूयॉर्क एंड पेंसिल्वेनिया। तो इसका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी एक तरह से हार्श रिस्पॉन्स खराब रिस्पॉन्स कहा जाता है और इसी के साथ ही ये जो अमेरिकन का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका आरंभ है वो हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड बॉयकॉट की बात करते हैं। तो इंटॉलरेबल जो एक्ट हुआ तो इसके प्रोटेस्ट में अब कॉलोनी से उसके रिप्रेजेंटेटिव तकरीबन 56 रिप्रेजेंटेटिव है वो जो पहली फिलाडेल्फिया जो है वहाँ पर जो ऑटोमन का जो सीजन है वहाँ पर 1774 में इन सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने ब्रिटिश गुड्स और ब्रिटिश के साथ व्यापार है इसके व्यापार ना किए जाए एक तरह से ये जो बॉयकॉट है वो उन्होंने इसमें जो ये कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस है वो हुई थी उसमें इन सभी ने तय किया था। तो
साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बॉयकॉट ही नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके साथ ये भी बातचीत भी जारी रखी। उन्होंने बैठक हुई जिसमें ब्रिटिश संसद से ये मांग की गई कि जो भी कॉलोनीज है उसमें ऑटोनॉमी है वो दी जाए, और साथ ही साथ जो ये कॉलोनीज के जो मामले थे उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये मीटिंग्स हुई थी, पहली जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी वो पूरी तरह से एक तरह से विफल हुई। और इसी के साथ ही जो इन दोनों के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये जो उपनिवेशवासी थे इनके बीच युद्ध है उसका प्रारंभ हो गया था, और उसका सबसे पहला जो युद्ध है वो लेक्सिंगटन में 9 अप्रैल 1775 में हुआ था। तो ये जो जो लेक्सिंगटन का जो लड़ाई हुई उसके साथ ही अमेरिका के स्वतंत्रता जो संग्राम है उसका आरंभ है वो हो जाता है। तो ऑन अप्रैल 1775 पार्ट ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन फोर्स इन बोस्टन मार्च टू द नियर बाय टाउन ऑफ कॉन्कॉर्ड मैसाचुसेट्स टू सेज द कॉलोनियल मिलिशिया आर्सेनल। तो ये जो मिलिटमेंट है जिसे जो कॉलोनी जो ये कॉलोनियल आर्मी थी मिलिशिया थी उनको मिनिटमैन भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश है उन्होंने जो ये कॉन्कॉर्ड है वहाँ की आर्मी मिलिट्री आर्सेनल है उसको कैप्चर करने के लिए ये मूवमेंट की थी, लेकिन जो लेक्सिंगटन के और कॉन्कॉर्ड के जो मिनिटमैन के नाम के जो सोल्जर्स हुए थे उन्होंने इंटरप्रेट किया और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अटैक किया। वहीं ये जो पहला शॉट फायर हुआ उसको क्या कहा गया कि शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड। और साथ ही साथ देखें तो ब्रिटिश आर्मी है उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ब्रिटेन के जो किंग थे जॉर्ज थर्ड उन्होंने एक दूसरी भूल ये की कि इन सभी जो लोग प्रोटेस्टर थे उनको रिबेलियन या फिर विद्रोही के रूप में उनको घोषित कर दिया था। तो उसके बाद देखें तो लेक्सिंगटन की जो लड़ाई हुई उसके बाद देखें तो फर्स्ट वॉज द सो कॉल्ड शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड मेड फेमस बाय पोएट राल्फ वाल्डो एमर्सन वाज वन ऑफ द मेनी दैट हाउंडेड द ब्रिटिश एंड फोर्स्ड देम टू रिट्रीट द बोस्टन। तो ये जो बोस्टन के जो अटैक किया गया था उनको ब्रिटिश जो प्लाटून है उसको फिर से रिट्रीट किया जाने लगा। वहीं थाउजेंड ऑफ मिनिटमैन फ्रॉम नियर बाई कॉलोनीज फ्लॉक्ड टू द बोस्टन टू असिस्ट ये जो कॉलोनियल जो आर्मी थी उसको उसके ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें काफ़ी कॉलोनी थी उनके भी काफ़ी लोग जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसमें पार्ट किया था। वहीं इन द मीन टाइम लीडर्स कन्वेंट द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस टू डिस्कस द ऑप्शन। तो दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस उसका आयोजन इसमें किया गया था। तो फाइनल पीसफुल रिकंसिलेशन के लिए ओलिव ब्रांच पिटिशन है वो इसमें जो है वो की गई थी। दे प्रोफेस देयर लव एंड लॉयल्टी टू द किंग जॉर्ज थ्री एंड बेग्ड हिम टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। वहीं किंग ने इस पिटिशन जो ये ओलिव ब्रांच पिटिशन है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और जो कॉलोनीज थे उसको स्टेट ऑफ रिबेलियन पूरी तरह से घोषित कर दिया। पहले तो ये बोस्टन है वहाँ से ही लोग थे उनको रिबेलियन घोषित कर दिया, लेकिन सभी कॉलोनीज को अब उसने रिबेलियन घोषित कर दिया। तो आखिरी जो ये अटेम्प्ट था ओलिव ब्रांच जो पिटिशन की गई थी जिसमें राजा के प्रति वफादारी दिखाई गई थी तो ये भी पूरी तरह से फेल हुई क्योंकि जॉर्ज थ्री है उसने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने जो भी अपनी सिर्फ हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे उसको स्टेट ऑफ रिबेलियन घोषित कर दिया। दूसरा रिजल्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट था कांग्रेस का वो था कॉन्टिनेंटल आर्मी, और इस आर्मी में जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के बाद में पहले राष्ट्रपति बने उनको इस कॉन्टिनेंटल आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ या फिर कहते तो सेनापति के रूप में उसको नियुक्त किया गया। वहीं ये जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है वो मनी जो प्रिंट है उसको भी ऑथोराइजेशन किया गया और साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ फॉरेन डिप्लोमेसी चलाने का भी किया गया। वहीं फॉलोइंग द फेलियर ऑफ एन ओलिव ब्रांच पिटिशन टू द किंग डिक्लेरर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है वो भी एक दूसरे आउटकम के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जॉर्ज वॉशिंगटन है वो अब कॉन्टिनेंटल आर्मी है जो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई उसमें ये जो कॉन्टिनेंटल आर्मी है उसके सेनापति के रूप में उसको घोषित किया गया था। तो अब बात करते हैं डिक्लेरर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ जो ये इंडिपेंडेंस है उसकी बात करें तो जनवरी 1776 में थॉमस पेन नाम के जो
ये जो जो लेखक थे उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध दो किताब थे कॉमन सेंस प्रकाशित की, जिसमें इंग्लैंड है उनकी जो पॉलिसीज और राजा है उसकी एक बहुत ही कड़ी शब्दों में इनकी निंदा की गई थी। और उन्होंने ये कहा कि इट्स टाइम टू पार्ट, यानी कि अब इनको अलविदा कहने का टाइम है वो आ गया था। वहीं 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। वहीं ये जो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई अ कमिटी ऑफ फाइव लेड बाई थॉमस जेफरसन वो इंक्लूड द आइडियल ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड ऑन इट। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको एक कमेटी है इसके द्वारा किया गया था और उसके लीडर कौन थे, वो थे थॉमस जेफरसन। वहीं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेड एम्फेसिस ऑन द अनअलाइबल राइट्स ऑफ मैन, नेमली लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वहीं द डिक्लेरेशन लिस्टेड अमेरिकन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द किंग जॉर्ज III एंड एनुअल अनाउंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जो स्वतंत्रता की जो घोषणा जो हुई थी उसके साथ ही किया हुआ कि ब्रिटिश से ब्रिटेन है उससे ये जो लोग है या फिर कहे तो कॉलोनियल लोग है वो पूरी तरह से एक तरह से अलग है वो हो गए थे। वहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसी लड़ाई है उसकी बात करते हैं। तो लड़ाई है उसकी शुरुआत है वो 1775 में जो लेक्सिंगटन है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी हुई है, हमें उसमें डीप में नहीं जाना है। तो कुछ ऐसी लड़ाई हुई उसमें बैटल ऑफ बंकर हिल है वो एक फेमस लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बोस्टन है। वहीं डिसाइसिव बैटल कौन थी वो ये थी बैटल एट न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। तो बैटल ऑफ एट न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी थी ये एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन की एक डिसाइसिव या फिर कहे तो एक महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है जिसमें इस क्रांति का पूरी तरह से रुख बदल दिया। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड की बैटल है और सारटोगा की। वहीं द यूनाइटेड स्टेट्स अलाइड इटसेल्फ विद फ्रांस इन 1778। तो फ्रांस के जो राजा थे इन्होंने भी अब इसमें जो लुई 14 थे जिसको गोट किंग भी कहा जाता है तो उन्होंने भी इसमें फ्रांस है उसने अमेरिका की इसमें साथ दे दी क्योंकि वो ब्रिटेन को हारता हुआ देखना चाहते थे। वहीं स्पेन और जो डच है उन्होंने भी अमेरिकन साइड ली थी और उन्होंने अमेरिकन जो रिवोल्यूशनरी जो आर्मी थी उसको काफ़ी पैसा भी भेजा था। और इसी के साथ ही एक लड़ाई है वो एक बहुत ही बड़ी लड़ाई के रूप में छिड़ गई थी। वहीं लड़ाई का अंत को कब हुआ अंत हुआ 1781 में जब जनरल कॉर्नवालिस है उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप के साथ कॉन्टिनेंटल आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे जॉर्ज वॉशिंगटन इसके सामने उन्होंने अपने जो हथियार है वो डाल दिए और इसी के साथ ही ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 वो साइन हुई थी। तो द ब्रिटिश लॉस ऑलमोस्ट ऑफ द होप क्रसिंग द रिबेलियन आफ्टर यॉर्क टाउन। तो ये जो यॉर्क टाउन है वहाँ पर जो युद्ध है उसमें ये सेनापति है कॉर्नवालिस उसमें उन्होंने आत्मसमर्पण है वो कर दिया था। उसी के साथ ही ब्रिटेन है उसने अमेरिका के साथ जो कॉलोनीज थी और साथ ही साथ स्पेन और फ्रांस है इसके साथ भी उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिया। वहीं इसमें ये आती है कि फ्रांस और स्पेन और नीदरलैंड है वो इसमें अमेरिका के साथ क्यों देना चाहते थे। तो इसमें भी एक कारण है कि जो फ्रांस है वो ब्रिटेन का जो स्थान है वो लेना चाहता था, वहीं स्पेन है वो भी जो ये ब्रिटेन है उसके उसके साथ जो कुछ अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ टकराव होते थे। वहीं जो नेदरलैंड या फिर कहे तो हॉलैंड है वो ईस्ट एशिया है जो साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया वहाँ पर ब्रिटेन के साथ वो अपनी लड़ाई है वो लड़ते आ रहा था। वहीं ये जो है वो अमेरिका में इसको फंसाए रखना चाहता था। वहीं रशिया और डेनमार्क और स्वीडन है उसने भी इसमें इसकी इंग्लैंड के खिलाफ जो अमेरिका के जो कॉलोनियल आर्मी थी उसको इसमें सपोर्ट किया था। तो इसी के साथ ही क्या हुआ कि लड़ाई या यॉर्क टाउन के सरेंडर के साथ ख़त्म हुई और इसी के साथ ही ब्रिटेन है उसने फ्रांस और स्पेन और अमेरिका के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिया और इसी का आउटकम है वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कि 3 सितंबर 1783 में जो है साइन हुई थी। और इसी के साथ ही क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स सभी कॉलोनीज को बनाकर जो ये यूनाइटेड स्टेट हुआ तो उसको एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में मान्यता दी गई। वहीं इनकी जो बाउंड्री है स्ट्रेच फ्रॉम द कैनेडियन बॉर्डर्स टू द मिसिसिपी रिवर टू द वेस्ट एंड द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ द फ्लोरिडा। तो जो हम जो ब्रिटिश फोर्स वॉज रिटर्न फ्लोरिडा टू स्पेन बट स्टिल कुड होल्ड कैनेडा, कांग्रेस वुड एडवाइज द स्टेट टू रिस्टोर प्रॉपर्टी लॉस्ट और स्टोलन फ्रॉम द लॉयलिस्ट। यानी कि ये जो ट्रीटी
पेरिस हुई, उससे चार ऐसे महत्वपूर्ण आउटकम्स आए थे। तो पहला तो इंडिपेंडेंस घोषित हो गई थी, दूसरा बाउंड्री, बाउंड्री है वो भी अब कनाडा से लेकर मिसिसिपी रिवर है, वेस्ट टू द वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर है, वहीं फ्लोरिडा है उसके नॉर्थन साइड तक ये जो बॉर्डर है वो आ गई थी। वहीं जो ब्रिटेन है, जो जिसने स्पेन से फ्लोरिडा हथिया लिया था उसको जो वापस दे दिया गया था, लेकिन कनाडा है वो भी अब भी ब्रिटिश के पास हुआ करता था। वहीं चौथा है वो है जो लॉयलिस्ट द्वारा जो भी प्रॉपर्टीज और जो भी पैसा है वो लिया गया था, जो कि लॉयलिस्ट जो गवर्नमेंट जो हचिनसन थॉमस जो हचिनसन थे इसके जैसे कोई भी दूसरे गवर्नर है जिन्होंने जिनकी सरकारों ने इन सभी जो रिबेलियन थे इसकी जो भी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी उसको फिर से रिस्टोर किया जाने लगा। ये सभी प्रकार के जो आउटकम्स है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कॉलोनीज की। तो कॉलोनीज है वो अब फ्री हो गई थी और इसके साथ ही रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी स्थापना हो जाती है। और उनके साथ ही देखें तो समय समय तक उसने जो सिर्फ 13 टेरिटरी थी उसने अपनी टेरिटरी है वो भी काफ़ी एक्सपांड की थी। तो नॉर्थ अमेरिका में पहले देखें तो जो ल्यूसियाना जो है वो फ्रांस से 1803 में लिया गया, और 1819 में फ्लोरिडा है वो स्पेन से लिया गया। वहीं 1850 में मेक्सिको के साथ लड़ाई करके जो अमेरिका की जो बॉर्डर है वो पैसिफिक ओशियन तक चली गई थी। वहीं अलास्का है वो फाइनली 1867 में रशिया के जो जार अलेक्जेंडर III थे उससे उन्होंने खरीद ली थी। तो इस प्रकार से सिर्फ 13 कॉलोनियों वाला जो एक छोटा सा जो रीजन हुआ करता था वो आज एक विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है वो बन गया था। तो अब बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के आउटकम की। तो पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसकी बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसकी स्थापना हुई और साथ ही साथ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बनाया गया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन व्हाट कॉल्ड फिलाडेल्फिया टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इन टू इफेक्ट इन 1789। तो 1789 है उससे ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें आ गया था। वहीं थॉमस जेफरसन और उन्होंने बिल ऑफ राइट्स टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें पारित है वो किया गया था। ये जो बिल ऑफ राइट है वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो हमारी ह्यूमन राइट्स है उसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। और बिल ऑफ राइट्स है उन्होंने जो फंडामेंटल राइट है सिटीजनशिप के वो यूएसए में सभी लोगों को उसमें दिए गए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये रिपब्लिकन ट्रूली रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक नहीं हुआ करता। वुमेन्स उसको वोट नहीं दिया गया था, जो स्लेव यानी कि ब्लैक पीपल थे उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, नेटिव अमेरिकन उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं होता था। सबसे ज़्यादा ख़राब जिनकी हालत थी वो थे ब्लैक्स यानी कि जो निग्रो लोग थे उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो सबसे पहले जिसे फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है जिसमें थॉमस जेफरसन भी आते हैं, सैमुअल एडम्स भी आते हैं और जॉर्ज वॉशिंगटन, इन सभी के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो स्लेव्स है वो हुआ करते थे। जो स्लेवरी है इसका अबोलिशन बाद में जो अब्राहम लिंकन है उसके द्वारा काफ़ी सालों बाद है वो किया गया था। तो 1861 और 65 के बीच नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट है उसके बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद ये जो स्लेवरी है वो पूरी तरह से अबोलिश है वो की गई थी। तो they also profited from the slave trade and even desired the slavery that expanded to the newly acquired territory. तो स्लेवरी है उसको क्यों रखा गया, बरकरार रखा गया, क्योंकि स्लेवरी है उससे इकोनॉमी में काफ़ी इसको फायदा होता था। तो जो रिवॉल्यूशन है उसके आउटकम्स क्या क्या आते हैं उसमें देखें तो पहली गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई थी, सोसाइटी है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी, लेकिन उसमें कोई बहुत ही बड़ा बदलाव जैसा देखा जाए ऐसा बदलाव नहीं आया था। वीमेंस की हालत ख़राब थी और स्लेव्स है उसकी हालत ख़राब थी। वहीं नेटिव इंडियन अमेरिकन थे उसको सिर्फ छोटी सी जो टेरिटरी है उसको उनको वहाँ पर बसाया गया और कुछ कुछ थोड़े बहुत राइट्स है वो भी दिए गए थे। तो अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी जिसे कहा जाता है इसी से ही इंस्पायर हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी नींव है वो रखी गई थी। तो ये सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ एक लड़ाई नहीं थी लेकिन एरिस्टोक्रेट एंड रिएक्शनरी एलिमेंट है उसके खिलाफ भी एक लड़ाई है वो लड़ी गई थी। ये कॉलोनियल डोमिनेशन है इसके खिलाफ भी एक लड़ाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। वहीं इसने इट इंट्रोड्यूस्ड
न्यू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सेटअप, अमेरिका में एक नया प्रकार का जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशली सोसाइटी का जो सेटअप, इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप हुआ था वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट की ही हम एक आउटकम के रूप में देखा जा सकता है। डेमोक्रेसी विथ सेपरेशन ऑफ पावर इन द मॉडल सजेस्टेड बाई फ्रेंच थिंकर मोंटेस्क्यू वॉज फाउंडेड। तो मोंटेस्क्यू ने जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर है, चर्च का जो पूरी तरह से सेपरेट है वो किया गया था, वहीं कैपिटलिज्म है उन्होंने अमेरिका में पहले से ही इनकी जो इकोनॉमी है उनको पहले से ही कैप्चर कर लिया था। तो दूसरे भी ऐसे जो कुछ प्रभाव है वो इस अमेरिकी जो क्रांति है उसके ऊपर पड़े थे। तो आर्थिक प्रभाव भी काफी थे जिसमें कैपिटलिज्म आता है, तो वहीं धर्म निरपेक्ष राज्य है उसकी भी स्थापना हुई थी। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जो मानवीय जो समानता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है वो दिया जाने लगा। वहीं इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव की बात करें तो जो जॉर्ज थर्ड है उसका जो शासन है उसकी जो जो ये पॉलिसी थी उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाने लगे, और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ, उसके भी फ्रेडरिक नॉर्थ है उसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है होने लगी थी। और जो कि जॉर्ज थर्ड है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसको अपने कठपुतली मानता था। अब जो संसद की जो शक्ति थी वो काफ़ी अब एक जो काफ़ी पावरफुल है वो हो गई थी। तो उसके बाद आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, उस फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसके ऊपर भी इसका एक बहुत ही बड़ा जो प्रभाव है उसमें पड़ा था। तो जो ये स्वतंत्रता की जो ये मसाल है जो अमेरिका में जो चली है जिसके रिजल्ट के रूप में एक रिपब्लिक है उसकी स्थापना हुई है, तो ये इसी रिपब्लिक का जो आइडिया है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी पड़ा था। तो इसी प्रकार के एक छोटे से जो कॉलोनी से उससे एक अब आज एक बड़े बहुत ही बड़ा जो सुपर पावर है वो कैसे बना, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। वहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसने विश्व की सबसे पहली डेमोक्रेसी है उसकी स्थापना की थी, तो इसलिए भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।